ये देखिए, फोरहेड पे लगाकर इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ी थी और रिजल्ट आप लोग के सामने है, क्या काम किया। खूबसूरत स्किन पे अगर बाल आ जाए तो भला किसे पसंद है, कोई भी नहीं चाहता है, चाहे वो एक महिला हो या पुरुष। अपने स्किन को खूबसूरत दिखाने के लिए पैसा भी खर्चा करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर फेस पे हेयर्स की प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कैसा लगेगा। मतलब कि बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है और इसको लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं। फेशियल हेयर एक ऐसी समस्या है जो पीछा नहीं छोड़ती है। आप लोग के कमेंट से पता चलता है, आप लोग का कमेंट आता है कि दीदी मैं अपने फेस पे थ्रेडिंग भी करती हूँ, रेजर का भी यूज करके देख लिया, अपने फेस पे वैक्स भी करा लिया, लेकिन ये फेशियल हेयर जो है ना, दोबारा से इसकी ग्रोथ आ जाती है। आप कोई ऐसी होम रेमेडी बताइए जिसे लगाने से बाल हट भी जाए और उसके ग्रोथ पे भी असर पड़े। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्किन का खूब सारा ध्यान आप लोग रख रहे होंगे। आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप लोग के कमेंट को देखते हुए इस वीडियो को मैं शेयर कर रही हूँ। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग आइडिया लगा लिए होंगे। वैसे तो इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो रेगुलर बेस पे शेयर होती रहती है, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग है। बहुत सारा होम रेमेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप सबके लिए, लेकिन आज जो रेमेडी आप लोग को बता रही हूँ, इसका जो काम है वो फेशियल हेयर को हटाना, आपके चेहरे से बालों को हटाना, चाहे वो आपके हाथ पैर का हेयर्स हुआ या तो फेस का। इसे लगाने के बाद आप जस्ट यही बोलेंगी, वाओ सच में इसने कमाल कर दिया। और सच में फ्रेंड, ये कमाल करने वाली होम रेमेडी है, तो फिर देरी किस बात की। चलिए हम देख लेते हैं कि इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे, इसे बनाने का प्रोसेस क्या है और इसे कितने एज के लोग अपने फेस पे लगा सकते हैं। ए टू जेड जो आपके सवाल है ना, सारे सवालों के जवाब आगे वीडियो में देने वाली हूँ। तो बहुत सारी बातें तो आज मैं आप लोग से नहीं करूंगी, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद से बहुत सारे टिप्स है जो कि आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है और साथ में इसे आपको रोज लगाना है। सिर्फ 5 मिनट अपने स्किन के लिए टाइम निकालिए और इसे लगाइए। सिर्फ 5 से 6 बार के यूज में जो आपको फर्क दिखेगा आपके फेस पे, चाहे वो कान का साइड का बाल हुआ या तो अपर लिप्स का, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके फेस पे जो बाल है ना, उसका ग्रोथ भी काफी ज्यादा कम होगा और हेयर्स की प्रॉब्लम तो मतलब आपके फेस से गायब ही हो जाएगा। और आपसे 2 से 3 लोग पूछेंगे कि आप अपने फेस पे क्या लगाई हो, फेशियल हेयर को साफ करने के लिए आपने क्या किया, तो आपसे सभी लोग पूछने वाले हैं। बस आप इसके बारे में जान लीजिए कि आज मैं आप लोग को क्या बताने वाली हूँ। ये जो बाउल आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसमें एक ऐसी मैजिकल चीज है जो आपके चेहरे के बालों के लिए कारगर है, आपके फेस के बालों को ये साफ करेगा। इसे बताने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक करिएगा और अपने फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। तो बहुत सारी आप लोग से बातें हो गई है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसे किस तरीके से हम तैयार करने वाले हैं। तो चलिए जी, देख लेते हैं कि इस घरेलू रेमेडी को हम किस तरीके से बनाएंगे और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। सबसे पहले हमें लेना है एक क्लीन बाउल, और जो सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर, यानी कि टोमेटो। आप लोग देख सकते हैं, फ्रेश टमाटर लीजिएगा, थोड़ा सा पका होना चाहिए, पका रहेगा ना तो उसमें से रस भी आराम से निकल जाएगा। टमाटर में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन टमाटर में हम कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कर देंगे ना जो बालों को हटाने में मदद करेगा, उसके ग्रोथ पे काम करेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 1 स्पून भर के टमाटर का रस ले रहे हैं। इसे आपको ज़्यादा बनाकर रखना नहीं है, थोड़ा सा बनाइएगा कि एक बार लगाने में ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के लिए हैं टमाटर का रस। मेजरमेंट भी मैं साथ साथ आप लोग को दिखाती जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, छोटा स्पून है तो 1 चम्मच है, बड़ा स्पून रहेगा तो आधा स्पून आप लीजिएगा टमाटर का रस। टमाटर का रस आपके स्किन को ब्राइट करने का काम करेगा, ओपन पोर्स को ख़त्म करता है, पिंपल्स को आने से रोकता है और साथ में फेशियल हेयर को भी ये हटाता है। तो टमाटर का रस लेने के बाद दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं चुटकी भर बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं लेना है आपने, बेकिंग सोडा का यूज करना है, जो कि ढोकले बनाने में हम यूज करते हैं। जब हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि चने को फुलाना होता है, ढोकले को फुलाना होता है, या तो और भी कुछ डिश हम तैयार करते हैं और उसे हमें थोड़ा सा फुलाना होता है, तो ऐसे में हम चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो फूल जाता है। तो सेम वही काम आपको यहाँ पे भी करना है, लेकिन ये अनचाहे बालों को हटाएगा। तो बिल्कुल चुटकी भर आपने लेना है बेकिंग सोडा।
तीसरी चीज हम यहाँ पे ले रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मटर के दाना के बराबर कोलगेट, आप लोग देख सकते हैं। एक बार जितना कोलगेट आप करने के लिए यूज करती हैं ना, मतलब ब्रश, उतना आप ले लीजिएगा। बहुत थोड़ा सा हम यहाँ पे कोलगेट ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इसे हमें ज़्यादा बनाकर रखना भी नहीं है, और कोलगेट की क्वांटिटी हम यहाँ पे बहुत कम रखे हैं। अब इसे हम सबसे पहले मिक्स करेंगे, मिक्स करके देखेंगे कि जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो इसमें क्या पड़ेगा, और जो हम इसमें डालने वाले हैं फ्रेंड ना, वो सभी के किचन में इजीली मिल भी जाएगा, तो परेशान मत होइए। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आप सभी के काम आ सकता है। हम यहाँ पे ले रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा मेथी दाना का पाउडर, जो कि तड़का में हम यूज करते हैं ना मेथी दाना। क्या आपको पता है कि मेथी दाना हमारे फेशियल हेयर को भी हटाता है? नहीं पता होगा। मेथी दाना आपके चेहरे के अनचाहे बालों को साफ करेगा और पिंपल्स को आने से रोकता है। पिंपल्स के अगर दाग आपके फेस पे है ना बहुत ज्यादा, तो उसे भी ये लाइट करता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपने मेथी दाना का पाउडर ले लेना है। इसका पाउडर आप घर पे भी बना के स्टोर कर सकती हैं। बिल्कुल थोड़ा सा, इसे हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है, इस तरीके से थोड़ा सा पतला ही रखना है। मेथी दाना काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा पाउडर होता है, और जैसे ही वो पानी में पड़ता है ना, वो अपना असर दिखाने लगता है, वो बिल्कुल चिपचिपा टाइप का हो जाता है, और स्किन पे हम जब लगाते हैं ना, तो बालों को साफ करता है, स्किन में चिपक जाता है, और जब हम रगड़ के निकालेंगे तो बाल अपने आप साफ हो जाएगा। अब इन सभी को हमें स्पून से अच्छे से मिक्स करना है। जो भी सामग्री आप डाली हैं अच्छे से स्पून से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसे आपने रखना नहीं है, और इस रेमेडी को अपने बच्चों के फेस पे बिल्कुल भी मत लगाइएगा। अगर आप टीन एज में हैं तब भी आप मत लगाइएगा अपने फेस पे। अगर आपका एज 40 साल है या तो आप 50 पार कर चुकी हैं, तो फिर आप इसे लगाइएगा, आपकी स्किन को नुकसान नहीं करेगा। पर क्वांटिटी कम करके, ज़्यादा थिक नहीं, थोड़ा सा जहाँ पे हेयर्स की प्रॉब्लम है ना, सिर्फ उस एरिया को आपको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो आज का रेमेडी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसे बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ईजी है, और आप लोग ऐसी ही रेमेडी खोजते हैं जो बनाने में ज्यादा तामझाम ना करना पड़े, 2 मिनट में बनके तैयार हो जाए और लगाते ही उसका फर्क फेस पे दिखे, तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है इस रेमेडी के साथ। बनाने का तरीका तो आप लोग देख लिए कि कितना इजी है, लेकिन जब आप इसे फेस पे अपने लगाएंगी तो जस्ट यही बोलेंगी कि सच में आपने बहुत अच्छी आज होम रेमेडी बताई है। कमेंट बॉक्स में थैंक यू आप लोग जरूर बोलेंगे। तो बहुत ही कमाल की होम रेमेडी आज आप लोग को बताने वाली हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा। इस रेमेडी को लगाने के साथ साथ 2 से 3 टिप्स है जो कि आपको फॉलो करना है। रात को जब भी आप सोने जाती हैं, तो 1 चम्मच आप उसमें गुलाब जल लीजिए, 5 से 6 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए, और चुटकी भर उसमें आपको ऐड कर देना है फिटकरी, और किसी भी कांच के कंटेनर में, मतलब कि किसी भी स्प्रे बोतल में भर करके रख लीजिए। और जब भी आप रात को सोने जाती हैं, पूरे फेस पे आपने स्प्रे करना है, उसके बाद से ऐसे छोड़ देना है, ठीक है? पहला टिप्स हुआ। और दूसरा टिप्स क्या है कि आप अपने फेस पे दिन में 1 बार नींबू को अच्छे से घिसना है, जहाँ पे हेयर्स बहुत ज़्यादा है ना, जैसे कान का साइड हुआ या तो अपर लिप हुआ, यहाँ पे हुआ फोरहेड पे, यहीं पे 4 जगह काफ़ी ज़्यादा हेयर्स दिखता है हमारे फेस पे, तो आपने सिर्फ वहीं पे नींबू को घिसना है। पर ये सभी के स्किन को हो सकता है कि सूट ना करे, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि नींबू को आप स्किप कर दीजिएगा, ये वाला टिप्स आप फॉलो मत करिएगा। पर आपके स्किन को सूट करता हो तो नींबू वाला टिप्स फॉलो करके देखिएगा, बहुत ही कारगर है। तीसरा टिप्स क्या है फ्रेंड, जब आपको टाइम मिले दिन में कभी भी आप इसे कर सकती हैं, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा लेना है कोकोनट ऑयल 5 से 6 बूंद, और उसमें चुटकी भर फिटकरी डालना है, और थोड़ा सा ऐड कर देना है 5 से 6 बूंद ही गुलाब जल, और उसमें आपको मतलब कि बहुत थोड़ा सा ऐड कर देना है गेहूं का आटा, या तो जौ का आटा मिल जाए तो और अच्छी बात है। इसे आपने मिक्स करना है, और बिल्कुल पतला सा आपको पेस्ट बनाना है, थिक नहीं करना है, बिल्कुल पतला सा, जिस तरीके से पकौड़े का घोल होता है ना, उससे भी पतला आपको करना है। और दिन में आपको जब भी टाइम मिलता है, सिर्फ आपको उसी एरिया को कवर करना है जहाँ पे हेयर्स बहुत जाते हैं, लगा करके छोड़ देना है, 5 से 6 मिनट में सूख जाएगा। उसके बाद से ऐसे आपको गोल गोल करके घुमाना है, रफ करना है, ताकि वो जितना भी बाल है ना सारा उसमें फंस के निकल जाए। पर इस रेमेडी में थोड़ा सा पेन हो सकता है, क्योंकि बाल जब जड़ से निकलेगा तो थोड़ा सा पेन हो सकता है, पर बैक से काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ये 3 टिप्स आप लोग को पसंद जरूर आया होगा,
और इस रेमेडी के साथ साथ आप इसे भी कर सकती हैं। सारे लोगों के साथ ये समस्या होता है कि जब भी वो अनचाहे बालों को साफ करते हैं, चाहे वो घर पे या तो मतलब कि पार्लर में जा करके, तो एक प्रॉब्लम सभी के साथ होती है कि दाना निकल जाता है काफी ज्यादा, छोटे छोटे बारीक दाने निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों का स्किन तो ऑयली होता है, तो इतने बड़े बड़े पिंपल्स यहाँ पे निकल जाता है जो कि उसका दाग रह जाता है। तो ऐसे में आपने फिटकरी लगाएंगी ना, तो वहाँ का पोर्स टाइट होगा और फेस पे एक भी दाना नहीं निकलेगा। चलिए मैं लगा करके भी आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो कान के साइड के बाल तो इस टाइम नहीं है, काफी ज्यादा साफ भी हो गया है, अपर लिप्स पे नहीं है, फोर हेड पे हल्का फुल्का रोआ की प्रॉब्लम है। तो आज हम फोर हेड के बाल को रिमूव करके आप लोग को दिखाने वाले हैं वीडियो में लाइव रिजल्ट, तो बने रहिएगा। हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ, बीच में नहीं है, इधर है और इधर है साइड में, तो यही दोनों तरफ बाल है ना, तो इसी को हम क्लीन करके आप लोग को दिखाने वाले हैं कि कितना अच्छा ये काम किया है। ठीक है जी, ये देखिए क्या काम किया है इसने, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई हूँ कि सच में इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन हो सकता है। इधर का भी हम क्लीन कर ले रहे हैं, ओ माय गॉड, सच में मतलब मैं तो खुद परेशान हूँ कि क्या बात है, इसने सच में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे बनाकर जरूर लगाइएगा। इस तरह का घरेलू रेमेडी इस चैनल पे शेयर होती रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, भरपूर मात्रा में लाइक कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगी तो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।